हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस 49,568 मेडिकल एंड यूपी पुलिस 41,520 भर्तियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप इन भर्तियों से रिलेटेड हो। तो बात करेंगे हम आपके मेडिकल से रिलेटेड और क्या खास बात निकल के आई है आपके मेडिकल में। ठीक है, अहम पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सेपरेट होने वाली है। हमने सोचा अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से अच्छा क्यों ना हम एक ही में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड कर दें। और देखो फ्रेंड्स, जेल वार्डर भर्ती से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे। जो कैंडिडेट 2016 में फॉर्म फिलअप किए थे जेल वार्डर फायरमैन के, तो अब उनके बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम फॉर्म फिर से मतलब खुलवाइए, हम अप्लाई करेंगे, हमने नहीं किया। या फिर जो 2016 में फॉर्म फिलअप किए थे तो क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, या ओनली जो 2018 में कैंडिडेटों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था तो क्या उन्हें एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। तो हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल के बात करें, या फिर इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि जो पासिंग आउट परेड है 41,520 का, वो अब 30 जुलाई को समाप्त किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले 15 जुलाई को निर्धारित था कि 41,520 के जो पीएससी कैंडिडेट हैं उनकी जो पासिंग आउट परेड है 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगी और जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खाली हो जाएगी। और 49,568 भर्ती वालों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंडेड कर दिया गया है। हम अभी आपको वो लिस्ट भी दिखाते हैं, 1 मिनट। आप देख सकते हो ये 8 जून का जो है आया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा यहाँ विषय वस्तु का नाम, प्रस्तावित विधि, और आप जैसे ही नीचे देखोगे तो आप देखो यहाँ कि कोर्स समापन एवं पासिंग आउट परेड, यानी कि पीओपी जो है अब फल का जो घोषणा है वो 29/7/2020 को किया जाएगा। मतलब कहने का यही है कि पहले ये 15 जुलाई तक था, लेकिन फ्रेंड्स ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब आप देख सकते हो जो पीएससी के कैंडिडेट 15 जुलाई को बाहर मतलब जो है अपनी पूरी प्रक्रिया समाप्त करके आ जाने वाले थे, तो अब वो 30 जुलाई को होगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब आपके मेडिकल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप मान के चलो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पूरी आशा जताई जा रही है कि मेडिकल जो है आपका जो है भर्ती बोर्ड चाहेगी कि जुलाई में आपका मेडिकल कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग की बात रही तो हमने आपको पहले वीडियो में भी प्रोवाइड किया था कि ट्रेनिंग आपके अगस्त लास्ट तक होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मेडिकल के बाद आपको री मेडिकल का भी टाइम दिया जाता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेडिकल के जस्ट बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखो मेडिकल के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसे कंप्लीट कराना जरूरी होता है। तो कोई इतनी दुख वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ये है कि डेट एक्सटेंडेड हो गया है। जैसे योगी जी ने कहा था कि जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर्स खाली होते हैं तो हम जो भी कैंडिडेट हैं उनको भेज देंगे प्रशिक्षण के लिए, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि मतलब क्या ही किया जा सकता है। हमने सोचा ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी डरो नहीं। मेडिकल की अगर बात है तो फ्रेंड्स ये पूरे चांसेस बन रहे हैं कि मेडिकल आपके जुलाई तक करा दिए जाए, है ना। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि अगर आप फायरमैन या फिर जेल वार्डर भर्ती से 2018 को, और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भर्तियां मतलब जो 2016 में फॉर्म फिलअप किया गया था तो उसे निरस्त कर दिया गया था। तो अब आपके ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया था तो मतलब हमारा पैसा जो है रिटर्न नहीं हुआ है, तो क्या ही मतलब क्या। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी कि आप क्या कर सकते हो या फिर क्या नहीं कर सकते। ठीक है, देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत विज्ञप्ति, यहाँ पूरा संख्या दिया गया है। ठीक है, दिनांक 16/2016, 20 12/2016 को निरस्त करते हुए, मतलब जो 2016 में भर्ती आई थी उसे भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन, चाहे उत्तर प्रदेश पदोन्नति बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसे ऑफिशियल वेबसाइट में रिटर्न में ही लिखा होता है कि हम जो ये भर्ती है कभी भी रद्द कर सकते हैं और हमें ये नहीं लगता कि मतलब हम आपको जवाब दें कि हमने किस रीजन से रद्द किया है। तो आपको तो रीजन भी पता होगा कि योगी सरकार आए तो उन्होंने बोला कोई भी जो एग्जाम्स है, कोई भी परीक्षा है वो मेरिट बेस पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भी परीक्षा मतलब जो भी भर्ती होंगी वो एग्जाम बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो नियमावली में चेंजेस के लिए जो है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया और ये आपकी भर्ती फिर से 2018 में आई, ठीक है। तो अब आपके ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो 2016 में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था तो क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के लिए जेल वार्डर एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या एवं PRB 2016 दिनांक 20/12/2016 के अभ्यर्थियों जिन्होंने रुपए मतलब जिन्होंने 200 रुपये, पहले क्या था कि फॉर्म भरने के लिए आपको ओनली 200 रुपये देने होते थे, लेकिन जैसे ये भर्ती 2018 में आई तो आपको 400 रुपये फॉर्म फिलअप करने का लगता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने 200 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया है उन्हें इस विज्ञप्ति भर्ती में 200 रुपये अतिरिक्त जो है अगर आप फॉर्म ऑनलाइन किए होंगे तो देना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ देख पुरुषों के लिए जेल वार्डर एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद को द्वितीय वरीयता देते हैं तो उन्हें पूर्ण आवेदन शुल्क 400 जमा करना होगा। तो अभी आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या ये बोल रहा है, मतलब अगर आपने साफ साफ कहने का मतलब यही है अगर आपने 2018 में ये फॉर्म फिलअप किया है तभी इसमें आप जो है अब एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि देखो अगर 2016 की भी काउंट होती तो ई पेपर में आया था लगभग 6 लाख कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। तो फ्रेंड्स ये संख्या जो है और भी इंक्रीज की जाती, लेकिन 2016 वाली भर्ती जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है तो उसे काउंटिंग नहीं किया गया है। जिन कैंडिडेट ने 2018 में फॉर्म फिलअप किया है वही इसमें जो है एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, रही फीस की बात, तो फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं कि अगर आपने 2016 में ये फॉर्म फिलअप किया है और आपने 200 रुपये दिया है तो फ्रेंड्स नई विज्ञप्ति जब जारी हुई तो 400 रुपये जो है फी कर दिए गए थे, तो आपको ओनली 200 ही पे करने थे, ठीक है। तो इसमें ये छूट तो दी गई थी आपकी, लेकिन अब देखो फ्रेंड्स ये आपके अगर सवाल आ रहे हैं कि क्या हमने 2016 में फॉर्म फिलअप किया था तो हम इसमें एग्जाम दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आप मतलब जैसे पहले यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की थी, लेकिन अगर आप घुड़सवार में इस पद के लिए वरीयता देते हो, फॉर्म भरते हो तो आपको पूरे 400 रुपये जमा करने थे, क्योंकि पहले ये जो घुड़सवार की भर्ती थी वो नहीं आई थी। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स अगर आपने 2018 में ये फॉर्म फिलअप किया है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना नहीं। अगर आपने 2016 में अगर आप फीस को लेकर मतलब हमारा फीस तो रिटर्न नहीं किया गया, तो अगर आपने 2018 में फॉर्म फिलअप किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको ओनली 200 रुपये ही जमा करने थे, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है और कहने का मतलब यही है कि जो भी में फॉर्म फिलअप किए हैं वही एग्जाम्स दे सकते हैं। अब देखो बात आ रही है आपकी कटअप को लेकर, तो फ्रेंड्स कटअप तो पेपर के हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल देखा जाता है। और फर्स्ट टाइम आपका ये पेपर होने वाला है, क्योंकि पहले तो जो भी फायरमैन जेल वार्डन की भर्ती थी वो मेरिट बेस पर की जाती है, तो फर्स्ट टाइम आपका पेपर बनाया जा रहा है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल का ही होगा। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और आप कोशिश करिए कि आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर जो है आपको मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स। लगभग 6 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, लगभग 1 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी अभी तक जो भी लग चुकी है SSC GD 49,568, ठीक है। तो आप बस थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर दोगे तो फ्रेंड्स आपका जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है इस बार ये आपका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा। बाकी मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। और फ्रेंड्स आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी प्रैक्टिस सेट हम सब करवाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, रही आपकी मेडिकल प्लस ट्रेनिंग की, तो फ्रेंड्स अगर आप 49,568 भर्ती से रिलेटेड हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। और आपका जो मेडिकल है, ये पूरी आशा जताई जा रही है कि जल्द से जल्द कंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये भी मतलब जो है वैसे तो भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये आशा जताई जा रही है कि जुलाई में आपके मेडिकल होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और रही आपकी ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग आपको अगस्त या फिर अगस्त लास्ट तक जो है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स अभी आप अगर आप घर में हो तो फ्रेंड्स आप घर में अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप जॉब पर चले जाओगे तो ये सोचोगे कि 2 दिन की छुट्टी मिले और हम अपने घर आए। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार टाइम मिला है और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, मेडिकल में आप बिल्कुल सेलेक्ट हो, नॉर्मली मेडिकल होता है, ठीक है। बाकी रहे डॉक्यूमेंट्स की बात, तो हमने आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आई होप कि अभी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।